हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आयुष गुप्ता और लेकर आया हूं आप सभी के लिए बॉलीवुड ब्रेकिंग। जी हां, बिग बॉस सीजन 13 इस बार फिर से अपनी वापसी कर रहा है और ऐसी धुआंधार वापसी है कि इस बार शो में कोई कॉमनर ही नहीं है, यानी कि इस शो का हिस्सा सिर्फ सेलिब्रिटी होंगे। और आप समझ सकते हैं जब शो का हिस्सा सिर्फ सेलिब्रिटी रहेंगे तो कितनी कॉन्ट्रोवर्सी होगी। सलमान खान फिर से इस बार कंटेस्टेंट को सुनाते हुए दिखाई देंगे, कंटेस्टेंट पे एक से ज़्यादा एक लड़ाई दिखेगी और सारी चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं कि इस बार बिग बॉस सीजन 13 में क्या क्या खास बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए देखिए रिपोर्ट। बिग बॉस सीजन 13 की तैयारियां इस बार जोरों शोरों से हैं। इस बार शो में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, उन्हीं में से आइए कुछ बदलाव पर नज़र डालते हैं। बिग बॉस में इस बार हॉरर थीम देखने को मिलेगी। दरअसल छोटे पर्दे पर हॉरर शोज को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ऑडियंस के इसी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस में इस बार हॉरर थीम का तड़का लगाया जा रहा है। बिग बॉस सीजन 13 का सबसे बड़ा बदलाव कंटेस्टेंट को लेकर हुआ। इस बार शो में सिर्फ सेलिब्रिटी ही हिस्सा लेंगे। बिग बॉस के सीजन में कोई कॉमनर हिस्सा नहीं लेगा। दरअसल पिछले सीजन्स में कॉमनर्स का बर्ताव सेलिब्रिटी पर काफ़ी हावी हुआ था। इसी बात को ध्यान रखकर मेकर्स ने यह फैसला किया है कि इस बार सिर्फ सेलिब्रिटी ही शो का पार्ट रहेंगे। सलमान खान के साथ बिग बॉस 13 में एक को होस्ट भी नजर आने वाली हैं। बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि जब सलमान के साथ एक फीमेल होस्ट दिखेगी। हालांकि वो अभी कौन होगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बिग बॉस सीजन 13 के लिए शो की लोकेशन भी बदली गई है। अभी तक शो का हर सीजन लोनावला में शूट होता था, लेकिन इस बार मुंबई के फिल्म सिटी में बिग बॉस का सेट लगाया गया है। इस सीजन में टीवी की बहुओं को भी कतार मिलने वाली है। दरअसल छोटे पर्दे पर ऑडियंस में टीवी की बहुएं भी काफी फेमस हैं, जिनकी अपनी अलग अलग फैन फॉलोइंग भी है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बहुओं को आने से बिग बॉस को टीआरपी में भी फायदा होगा। यही वजह है कि कंटेस्टेंट के लिए टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे, पवित्रा पुनिया, मेघना मलिक, देबीना भट्टाचार्य जैसे कई नाम शामिल हैं। 12 सीजन की तुलना में इस बार सलमान खान का बिहेवियर पहले से काफी सख्त होने वाला है। शो में वो हर बार मस्ती तो करेंगे, लेकिन गलती करने पर कंटेस्टेंट को भी कड़ी सजा मिलेगी। सलमान खान ने सीजन 13 के लिए अपनी फीस भी दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को बिग बॉस 13 में एक वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। शो 13 हफ्ते चलता है तो सलमान खान 26 एपिसोड में नजर आएंगे। ऐसे में सलमान खान इस बार 400 करोड़ रुपए फीस चार्ज करेंगे। बता दें सलमान एक एपिसोड में बिग बॉस 12 में 12 करोड़ से 14 करोड़ रुपए तक चार्ज करते थे। बिग बॉस सीजन 13 में बीच बीच में मेकर्स बड़े बड़े बदलाव भी करेंगे। इस बार मिड सीजन में भी कई कंटेस्टेंट का फिनाले सिलेक्शन होगा, साथ ही कहीं और ट्विस्ट भी डाले जाएंगे। बिग बॉस 13 में राखी सावंत भी नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि राखी या तो सिंगल या फिर दीपक कलाल के साथ गेस्ट अपीयरेंस देंगी। बिग बॉस के घर में पहली बार फीमेल वॉइस भी सुनने को मिलेगी। अभी तक घर में सिर्फ बिग बॉस की मेल आवाज ही सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार फीमेल बिग बॉस की शो में एंट्री होगी। बिग बॉस का टेम्परेचर इस बार पहले की तुलना में काफी हाई होने वाला है। बिग बॉस के घर में आर्किटेक्ट ओमंग कुमार अपनी पत्नी के साथ मिलकर नई प्लानिंग कर रहे हैं। ओमंग की पत्नी लंबे टाइम से शो की डिजाइनर रही हैं और इस बार घर को और लविश बनाने की तैयारी में जुटी हैं। सीजन 13 की वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर भी काफी जबरदस्त प्लानिंग बताया जा रहा है कि वाइल्ड कार्ड में कम फेमस सेलिब्रिटी शो में धमाकेदार एंट्री लेंगे। बिग बॉस सीजन 13 में इस बार एक इंटरनेशनल कंटेस्टेंट भी होगा। कयास है कि ये इंटरनेशनल कंटेस्टेंट एक क्रिकेटर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, द न्यूज़ ई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस बिग बॉस कंटेस्टेंट को आप बिग बॉस सीजन 13 में देखना चाहते हैं। द न्यूज़ ई को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।